बोली मैडम, बढ़िया डिजाइनर साड़ी बताइए, महंगी होनी चाहिए। हाँ, 50,000 की होगी तो भी परवाह नहीं। तू ऐसे क्या देख रहा है? फुटपाथ पैसे ली थी 150। तू कमाता नहीं ना, इसलिए ताने मारने के लिए यही जगह मिली। सही तो बोल रहे हैं। 5,000 के ऊपर वाली दिखाइए। ये देखिए, ये लेटेस्ट है, ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी देखिए, एक भी पसंद की नहीं। ये नया कलर आया है। कोई कलर पसंद आया आपको? और देखते हैं। सुनिए सुनिए, वो रेड वाली जरा दीजिए। ये लीजिए रेड वाला। ये बहुत अच्छी है ना? ये माँ, ये देख कैसी है ये। वो वाली भी दीजिए जरा। हाँ, मैं जच रहा हूँ ना, कितनी अच्छी है ना ये। अच्छी है ना भाभी? ओ सैया जी, वो वाली देना जरा। ले लीजिए। हाय हाय, कितनी मुलायम है देखो। ए मामा, ए सारी लाल लाल साड़ियाँ क्यों निकलवा रहा है? ए तुझे लाल चाहिए? नहीं, आप चुप रहिए, इसे पसंद नहीं तो क्या? मुझे तो पसंद है ना। मम्मा देखो मुझ पर कैसी जच रही है ना। मम्मा, भाभी देखो ना कैसी उठ रही है मेरे बदन पे। हाँ प्रीतम, वो वाली लाओ, वो लाल वाली। हाँ वो दे दो मुझे, सारी लाल मुझे दे दो। हाय हाय, कितनी जच रही है मुझ पे। हाय, तमाशा क्यों कर रहे हो? गंदा मजाक बंद करो। हे, पिछले जन्म में सांड था क्या जो लाल साड़ी पसंद आ रही थी? तुझे जलन हो रही है बुढ़िया, जा मैं तुझसे बात नहीं करती। जरा एक तरफ हो जाना बहना, मैं भी ट्राई कर लूं एक साड़ी। दीदे फाड़ फाड़ के मत देख, वरना यही नंगी हो जाऊंगी। माटी मिली। सुन तो ये बता, ये साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है? और ये बॉर्डर भी अच्छी है ना, मैं खूबसूरत लग रही हूँ ना? अरे घूर क्या रही है, चल जाओ यहाँ से। क्यों मेरे हैंडसम, जरा बता तो कैसी लग रही हूँ मैं? अरे बाप रे, तेरी बीवी से भी खूबसूरत हूँ ना। अरे राघव क्या हो गया तुझे? कितने सालों बाद अच्छी साड़ी पहनने का मौका मिला और तू ऐसे कर रही है। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या कर रहे हो, जल्दी से उतारो साड़ी। शर्माने की क्या बात है, मैं पूरी ढकी हुई हूँ। अचानक क्या हो गया तुझे जो औरतों की तरह साड़ी पहन के मटक रहा है? चल उतारी से। अरे उतार, पल्लू गिरा रही है मेरा। ये साड़ी तुझ पर नहीं जचेगी बुढ़िया, इसलिए जल रही है तू। मैं जल रही हूँ? आपने मुझे मारा? हाँ मारा। किस लिए मारा? अपने आप को देख। ये सब क्या है, साड़ी पहनाकर मेरा तमाशा बना रही है? अरे राघव पागल हो गया तू? हाँ क्या कहा, मैं पागल हो गया हूँ जो साड़ी पहनूंगा? मैं तो आप लोगों के लिए साड़ी पसंद करने आया था और आप लोगों ने मेरा मजाक बना कर रख दिया। देख लूंगा आप लोगों को बेवकूफ कहीं के। सदा अपने सुहाग का ख्याल रखती रहो। शुरू हो जाओ। सुनो 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 ना, कोई आवाज आ रही है, उठो ना उठो ना।
कैसी लग रही है चूड़िया? अच्छी लग रही है ना? हाँ बता मुझे, ये सुर्ख लाल चूड़िया मुझ पर जच रही है ना? हाय हाय बता मुझे, हे तू बोलती क्यों नहीं, खून से भी ज्यादा लाल है ना? हाँ बता, हे बता मुझे, बोल कैसी लग रही है मैं? हाँ बोलती क्यों नहीं? सुना जी, उठो उठो ना। नहीं नहीं चूना नहीं, सीमेंट लगा लो। अरे कंस्ट्रक्शन बंद करो, उठो उठ जा कुपकर। क्या हुआ, क्यों चला रहे हो? जरा अपने लाडले भाई के घर धोते देखो। अरे बाप रे, प्रॉब्लम क्या है? कल लकड़ी का घोड़ा भाग रहा था, आज कह रही हो मेरा भाई गुल खिला रहा है। अपने दिमाग का इलाज करवा लो तुम। मैंने आपसे कहा था ना कि दो दिनों से मेरी लाल चूड़ियां नहीं मिल रही है। आपका भाई वो चूड़ियां पहन कर बैठा है और वो उन्हें ऐसे ऐसे करके चनका रहा है। मैंने देखा, चल के देखो। अगर वो चूड़ियां खनकाते हुए नहीं मिला तो तुम्हें मैं यहाँ खड़का दूंगा। अरे चल के देखो तो सही पता चल जाएगा। कहाँ है वो? यही था, कहाँ चला गया? अब मैं क्या करूँ? कहाँ गया? काला करेगी क्या मुझे? कहाँ चला गया? यही सवाल तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। राघव कहाँ? हे मुझे पता है वो इस वक्त कहाँ होगा। चलो मेरे साथ, दिखाता हूँ मैं तुम्हें। चलो यही था, आओ मेरे साथ दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो, देखो राघव कैसे छोटे बच्चे की तरह सो रहा है। अब घुमा कर दूँ क्या? चलो जाके सो जाओ, चलो। अभी देख क्या हो गया? इनमें भी भूत आ गया क्या? इन्हें नींद में बोलने की आदत है। तुम चलो जल्दी चलो। मुझे लगा भूत है। राजा। हाँ भैया। ये काव्या कहाँ रह गई है? मेरा फोन भी नहीं उठा रही है, जरा जाकर देख कहाँ है वो। उसी ने तो बताया कि आपने उसे फोन करके गेस्ट हाउस बुलाया था। अरे मैंने कब उसे फोन किया, कब उसे आने को बोला? जा जाके ढूंढ उसको। ठीक है। पता नहीं बिना बताए जाने किसकी आदत कब बदलेगी। भाभी आप इसे क्या हो गया, सुबह सुबह क्यों बुला रहे हैं? इधर आइए ना। आ रही हूँ आ रही हूँ, रुको। हे भगवान मुझे बचाना। बोलो राघव। मेरे बाथरूम का गीजर काम नहीं कर रहा। हाँ। आज के लिए आपके बाथरूम में नहाऊं? हाँ नहा लो, आओ नहा लो। एक बात पूछूं? हाँ। आज तो बड़ी सॉफ्ट टोन में बात कर रहे हो, कल रात को तुमने मेरी चूड़ियाँ पहन कर मुझे क्यों डराया? मैंने? हाँ। आपकी चूड़ियाँ पहनी? हाँ। और आपको डरा रहा? हाँ। जाके अपने दिमाग का इलाज करवाई। बात करती इलाज तो इसका करवाना पड़ेगा। भाभी क्या 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 हुआ? जाके ना लीजिए। निशान कैसे हैं? ये सब क्या है? ये राघव औरतों की तरह हल्दी से नहा कर गया है। सुनिए जानकी,
अरे क्या आफत आ गई? ऑफिस पहुंचा नहीं के फोन कर दिया। तुम्हारी वजह से आज मुझे बॉस की डांट खानी पड़ी। ना घर में ना ऑफिस में शांति से जीने दोगी। कल रात को बोला मेरा भाई चूड़िया पहन के छत पे छन पकैया कर रहा है। आज फोन पर कहा कि वो साबुन की जगह हल्दी से नहा रहा है। मुझे जल्दी घर आने को कहा। खुद तो पागल हो, मुझे भी कर दोगी? अरे रे रे रे, क्यों बेचारी पे चिल्ला रहा है? वो जो कह रही है सेंट परसेंट करें कह रही है। अब आप भी इसकी तरह बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? अयो, मैं भी जानकी को गलत समझ रही थी। वो मुझे बाथरूम लेकर गई और हम दोनों ने खुद देखा कि वो हल्दी लगा रहा था, तब मुझे यकीन हुआ। अयो, उसके पूरे बदन में हल्दी थी। जहाँ भी वो अपने बेबी स्टेप्स रखता वहाँ हल्दी, सिर्फ हल्दी। पता नहीं मेरे लल्ले को क्या हो गया। कृष्णा, तू ही बता कि हम दोनों तुझसे झूठ बोल रहे हैं। इस वक्त वो कहाँ है? मुझे क्या पता। घर कब आएगा वो? जब टाइम होगा आ जाएगा। ठीक है, आने दो उसे। आपको लगता है वो आदमी होके साबुन के बजाय हल्दी से नहाएगा? वही तो। कैसे यकीन कर लूं मैं? देखा ना, मैंने ही लगाते दिखा दूंगी मैं। हाँ ठीक है, आने दो उसे। उसे नहाने भेज देंगे और जैसा तुम कह रहे हो, उसने अगर हल्दी नहीं लगाई तो मैं तुम दोनों को देख लूंगा। आप मेरी माँ है और ये मेरी पत्नी है, भूल जाऊंगा और हिमालय पर चला जाऊंगा मैं। चिकन की टंगड़ी चाहिए? देखो देखो वो आ गया। राघव इधर आना। कहाँ गए थे तुम? एक दोस्त के घर। काफी थके हुए लग रहे हो तुम। खाना खाया? नहीं अभी नहीं खाया। जाओ नहा के फ्रेश हो लो, फिर खा लेना। अरे राघव जरा सुन तो, तेरे बाथरूम का गीजर अभी ठीक नहीं हुआ है, मैकेनिक नहीं आया ना। तुम एक काम करो, मेरे बाथरूम में जाके नहा लो, फिर आके खाना खा लेना। हाँ जाओ। ठीक है। सुनो वो गया। बच्चों चलते हैं। खाना खत्म हो गया ना, चलो जाके सो जाओ। चलो चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। चल चल चल, जल्दी चल। ए चलो भी चल ना। चलो पिक्चर अब शुरू होने ही वाली है, मैं खिड़की खोलती हूँ। देखो देखो सुनो, यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कितनी छोटी हाइट है, क्या खा के पैदा किया बुढ़िया ने इसको। हट जा यहाँ से, इस पर चढ़ जाओ। रुको देर तक उस हल्दी को घूरता रहा, फिर चारों ओर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। मैंने कहा था ना, पहले वो कटोरी को देखेगा, फिर मुंडी घुमा के यहाँ वहाँ देखेगा। जब आसपास कोई नहीं होगा तो वो पूरे चेहरे पर हल्दी लगा लेगा, फिर औरतों की तरह पूरे बदन पर हल्दी लगाएगा। ये सीन मिस मत करना, यही तो क्लाइमेक्स है। चलो चलो खड़े हो जाओ। अरे इतना वाइब्रेट तो ये मेरे पेट के अंदर भी नहीं हुआ था जितना आज हो रहा है। अरे ठीक से पकड़, इसको गिरेगा तो हम लोग दब के मर जाएंगे। क्या क्या कर रही हो, इतना हिला क्यों रही हो? अरे हम नहीं हिला रहे, तुम खुद हिल रहे हो। जवाब दे रहे हैं, ठीक से खड़े रहो ना। अरे मेरी कमर मल खा जाती। जानकी तुमने बिल्कुल सही कहा था, मेरा भाई रॉन्ग ट्रैक पर चला गया। मेरे खानदान की इज्जत इसने हल्दी में मिला दी, अब क्या होगा? मुझे भी देखने दे ये मंजर। शो चल रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ ऊपर मुझे एक चिकन पीस दीजिए ना। लो ना। बस बस बहुत है। ठीक है ठीक है। राघव क्या चल रहा है, ड्रामा कंपनी को ज्वाइन कर लिया? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? काफी दिनों से तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं, काफी अजीब बिहेव कर रहे हो। यही सवाल तो मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं भैया। भाभी का कहना है कि कल रात को मैंने चूड़ियां पहनकर इन्हें डराया,
और अब आप पूछ रहे हैं कि मैंने ड्रामा कंपनी ज्वाइन कर ली है। आप लोगों को क्या मैं जोकर नजर आ रहा हूँ? नहीं, तुम हमें जोकर बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये पैरों पर हल्दी क्यों लगाई? इस तरह पैर छुपाने से क्या होगा? मैंने पूछा पैर पर हल्दी क्यों लगाई तुमने? मुझे नहीं पता। तो क्या हल्दी खुद चलकर तुम्हारे पैरों पर लग गई? जवाब दो भाई, क्या पूछ रहा है? जवाब दो राघव, बोलो ना, हम सब जानना चाहते हैं। कह तो दिया मुझे नहीं पता। अब झूठ भी बोलना सीख गए। तुम्हें नहाते वक्त हल्दी का लेप लगाते हुए मैंने खुद देखा है। हाँ, मैंने भी देखा है कैसे मलमल के हल्दी लगा रहा था पूरे बदन पर। मूर्ति बन के क्यों बैठे हो? बोल ना, जवाब दे। बोलो कुछ, बोलो भी। बोलो हल्दी क्यों लगाई तुमने? जवाब दो। जो हल्दी लगाई है, बोलो ना, बता। कुछ तो बोल। फूट मुंह से। बताओ हल्दी क्यों लगाई? जवाब क्यों नहीं देते तुम मुझे? मैं तुम्हें बार बार पूछ रहा हूँ कि हल्दी क्यों लगाई, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जवाब दो मुझे, जवाब दो। कबला पर हाथ उठाएगा तू, मुझ पर हाथ उठाएगा, मुझ पर शर्म नहीं आती कुंडे? मार मुझे, मार मार मुझे, मारेगा माटी में, मुझे मारेगा। छोड़ो, तुम मेरे बड़े भाई हैं, छोड़ो। मार 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 तू। आई बड़ी पूछने वाली, मैंने कह दिया। एक औरत पर हाथ उठाता साला कमीना, कोई तुझ पर हाथ उठाएगा तो तुझे गुस्सा आएगा कि नहीं? औरत की आंखों पर हाथ डालता है छिछोरा। से किसने पकाया ये? मैंने नहीं पकाया। मैंने पकाया। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। चुप रहना।